घबराहट पहले भी होती रही है, आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। वैचारिक मतभिन्नता के नाते मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है। जब भी सही रास्ते पर आएंगे मैं उनका स्वागत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर हाल कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं, वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूं। यह टकराहट पहले भी होती रही है, आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था, वो खांटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, ये दुख की बात है। अब मैं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता रहूंगा। माननीय कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। अब जब रणभेरी बच चुकी है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की चाहत के अनुरूप उसके सम्मान स्वाभिमान हिस्सेदारी की लड़ाई अब लगातार आगे जारी रहेगी। क्या आपने कहा कि अखिलेश यादव जो समाजवादी विचारधारा थी उसके विपरीत जा रहे थे, क्या यही वजह है कि समाजवादी आपका जैसे इस्तीफा दिया राष्ट्रीय महासचिव पद से, उसके बाद सलीम शेरवानी हो या और घटक दल के साथ ही पल्लवी पटेल, सबने ये पीडीए वाली जो बात है उठाई, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई ज्यादा असर नजर नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। वैचारिक मतभिन्नता के नाते मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं हुआ है। जब भी सही रास्ते पर आएंगे मैं उनका स्वागत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी वो रास्ते से भटके हुए हैं। यहां तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी मजाक उड़ा रहे हैं। आज कहने के लिए तो अपने को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी मनवादी व्यवस्था के शिकार हैं। इसीलिए हमने फैसला लिया है इस देश में गरीबों की लड़ाई लड़ने का, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, गरीबों के सम्मान स्वाभिमान की आवाज बुलंद करने का और उन्हें सत्ता शासन में हिस्सेदारी देने का।
माना जाए कि जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है उसके बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे जिसकी आप घोषणा शायद 22 फरवरी को करने वाले हैं? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैंने समय समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, मानोहर काशीराम जी की विचारधारा पर लगातार काम किया हूं। लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में काम किया, भिन्न भिन्न अन्य दलों में जहां भी रहा हूं मैं कभी भी विचारधारा से हटा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में रहकर के भी मैंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया हूं। समाजवादी पार्टी में भी इसी विचारधारा के साथ काम करने का इरादा लेके मैं आया था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, जिसके नाते आज मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक संस्था से भी इस्तीफा दिया, विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया। तो स्वाभाविक रूप से जब हमारी खाती महापुरुषों की विरासत, विचारधारा, मिशन है तो उसको आगे बढ़ाने का काम मजबूती के साथ मैं अवश्य करूंगा। कल जो अपनी बाइट दी उसमें आपने प्रोफेसर राम गोपाल की भूमिका पे सवाल खड़े किए, क्योंकि पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस तरह से उनको लेकर ये भाषा का प्रयोग किया गया उसके बाद आपके बयानों को, तो क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पीडीए के विपरीत है? देखिए, कुल मिलाकर के हमने इतने कम समय में इस बात का अध्ययन किया कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।